नोकिया की सेकेंड इनिंग की शुरुआत भले ही बहुत स्मूथ ना रही हो, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ब्रांड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। चाहे हम नोकिया 7 प्लस को ही ले लें, अपने बजट में ये फ़ोन एक दमदार प्लेयर के तौर पर उभरा है और अब बजट सेगमेंट में भी अपना नाम कमाने के लिए नोकिया लेकर आया अपना नया फ़ोन नोकिया 6.1 प्लस। ये वही फ़ोन है जो कि चाइना में नोकिया X6 के नाम से लॉन्च हुआ था। खैर, नाम की बात को पीछे छोड़ते हैं और काम की बात करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस पर। नोकिया 6.1 प्लस 5.8 इंच के डिस्प्ले पर 1080x2280 पिक्सल के फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। नोकिया के बाकी फोन की तरह नोकिया 6.1 प्लस भी एंड्रॉइड 1 सीरीज का पार्ट है और एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पर काम करता है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर है। इसे साथ मिलता है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का, जिसे 400GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए नोकिया 6.1 प्लस में 16+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है और सेल्फी के लिए फोन 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा से लैस है। फोन पर गेमिंग और ग्राफिक्स को हैंडल करता है एड्रीनो 509 और बैटरी है 360 mAh की। नोकिया 6.1 प्लस की कीमत है 15,999 रुपए। नोकिया 6.1 प्लस को खास बनाता है इसका नॉच डिस्प्ले। ये नोकिया का पहला ऐसा फोन है जो कि नॉच को सपोर्ट करता है। हालांकि यहाँ पे फुल स्क्रीन 19:9 रेशो वाला डिस्प्ले तो दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बेजल लेस है। यहाँ पर जो साइड के बेजल्स हैं या फिर इनफैक्ट नॉच के पास का जो एरिया है, वहाँ पर जो बेजल्स हैं काफ़ी नोटिसेबल है। नोकिया 6.1 प्लस की डिस्प्ले क्वालिटी इम्प्रेसिव है। फोन का कलर रिप्रोडक्शन बढ़िया है तो वीडियो देखना मजेदार है। ब्राइटनेस इंटेंसिटी भी अच्छी है, इसलिए फोन पर तेज रोशनी में भी आसानी से काम किया जा सकता है। नोकिया 6.1 प्लस की ग्लास बॉडी और एल्युमिनियम फ्रेम इसे प्रीमियम लुक देती है। फोन लाइट और कॉम्पैक्ट तो है, लेकिन काफी स्लिपरी भी है, इसलिए कवर लगाना ही बेटर ऑप्शन है। फोन का ओवरऑल लुक सिंपल और क्लासी है। ये तो हुई फ़ोन की सूरत की बात, अब करते हैं सीरत की बात यानी इसकी परफॉर्मेंस की। तो नोकिया 6.1 प्लस जो है स्नैपड्रैगन 636 पर काम करता है, एक ऐसा प्रोसेसर जो कि अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव कर चुका है इन फोन्स लाइक रेडमी नोट 5 प्रो एंड एसोस ज़ेनफोन मैक्स प्रो एम्बर। तो यहाँ पर इस फ़ोन में भी एकदम डिपेंडेबल आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, चाहे डेली टास्क हो या फिर अगर आप कैजुअली गेम करना चाहते हैं, मॉडरेटली गेम करना चाहते हैं, तो फ़ोन पर कोई परेशानी नहीं होती। नोकिया पर काम करना क्विक और इजी है, चाहे आप मल्टीपल विंडोज में काम कर रहे हों या फिर कॉन्स्टेंटली ऐप स्विच करें। फोन का क्लीन इंटरफेस इस एक्सपीरियंस को और फ्लूइड बनाता है। थैंक्स टू स्टॉक एंड्रॉइड, फोन पर रेगुलर अपडेट्स भी मिलेंगे और गुड न्यूज ये है कि फोन एंड्रॉइड पाई के अलावा एंड्रॉइड क्यू अपडेट के लिए भी एलिजिबल है। नोकिया 6.1 प्लस में कस्टम UI वाले फोन्स की तरह बहुत सारे फीचर्स तो नहीं है, लेकिन टर्न ओवर टू रिजेक्ट, एम्बियंट डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट स्वाइप जैसे ऑप्शंस जरूर हैं। फोन पर गेमिंग एक्सपीरियंस भी सैटिस्फैक्टरी है। एसफॉल्ट 9 जैसे गेम्स भी फोन पर खेलने में कोई परेशानी नहीं होती, हालांकि मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर खेलना बेटर ऑप्शन है। कैमरा नोकिया 6.1 प्लस का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नहीं है। अगर आप इनफ लाइटिंग में फोटोज लेते हैं या पोर्ट्रेट मोड में भी फोटोज लेते हैं तो आपको अच्छी फोटोज मिलती हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट हर बार मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप कैमरा पर डिपेंड नहीं कर सकते, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। कैमरा एप्लीकेशंस में कई फीचर हैं। ब्यूटी मोड स्टिकर्स के साथ साथ अलग अलग लाइटिंग का भी इंतजाम है। लाइफ बोके मोड में बैकग्राउंड को ब्लर करने की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और मैनुअल मोड में भी वाइड बैलेंस और फोकस जैसी सेटिंग्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
सेल्फी कैमरा से ली गई फोटोज ठीक ठाक आती हैं, लेकिन AI पोर्ट्रेट मोड इतना इम्प्रेसिव नहीं है। नोकिया 6.1 प्लस भी नोकिया के खास फीचर बोथी को सपोर्ट करता है। इस मोड में आप फ्रंट और रियर कैमरा को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो मोड में रियर कैमरा से 4K और सेल्फी कैमरा से फुल HD रेजोल्यूशन पर वीडियो बना सकते हैं। साथ ही टाइम लैप्स और स्लोमो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है, लेकिन स्लो मोशन वीडियो स्टॉप मोशन वीडियो ज्यादा लगती है, यानी कि आपको एक स्मूथ स्लो वीडियो नहीं दिखती बल्कि अलग अलग फ्रेम्स में अटकती हुई वीडियो दिखती है। नोकिया 6.1 प्लस की लो लाइट परफॉर्मेंस पर आए तो इससे ज्यादा उम्मीदें ना ही रखें तो बेहतर है। नोकिया 6.1 प्लस की बैटरी को ऑन पेपर देखें तो ये अपने कॉम्पिटिशन यानी कि रेडमी नोट 5 प्रो और ASUS मैक्स प्रो M1 के मुकाबले कमजोर लगता है, लेकिन रियल टाइम यूजेज में ये गैप ज्यादा यहाँ पर नजर नहीं आता। फोन की बैटरी नॉर्मल यूजेज में 10 से 12 घंटे चल जाती है, यानी कि आपको हर वक्त अपने साथ चार्जर लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोकिया 6.1 प्लस को चार्ज करने के लिए Type-C पोर्ट दिया गया है, साथ ही ये क्विक चार्ज 4.0 को भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसे सपोर्ट करने वाला चार्जर फोन के साथ नहीं आता, इसलिए फोन को चार्ज होने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। सिक्योरिटी के लिए फोन के रियर पर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, ये एक्यूरेट तो है लेकिन इतना क्विक नहीं है। इसके अलावा इसका प्लेसमेंट भी कुछ परेशान करता है, क्योंकि आपके फिंगर स्कैनर के बजाय कैमरा पर ज्यादा लगती है। फोन के नीचे की तरफ दिए गए स्पीकर पर ऑडियो काफी लाउड और क्लियरली सुनाई देता है और आप आउटडोर में भी म्यूजिक के मजे ले सकते हैं। तो नोकिया 6.1 प्लस के फाइनल वर्डिक्ट पर आए तो एक अच्छा फोन है फ्रॉम द हाउस ऑफ नोकिया। इसके अलावा नोकिया ने जो पहले गलती की थी अपने फोन्स की यानी कि प्राइसिंग की, वो यहाँ पर रिपीट नहीं होती है। एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर एक बढ़िया फोन यहाँ पर निकाला है, चाहे वो इसका प्रोसेसर हो या फिर आपको स्टॉक एंड्रॉयड यहाँ पर मिलता है। अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो हो सकता है आपको ये फ़ोन इतना पसंद ना आए, लेकिन इस सेगमेंट में ये फ़ोन एक अच्छे चॉइस के तौर पर उभरता है। लेकिन अगर आपको और भी फोन्स चाहिए इस सेगमेंट में तो Redmi Note 5 Pro और ASUS Max Pro M1 भी अच्छे ऑप्शंस हैं।